नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय व नन्हे खिलाड़ियों की अपील, कोरोना को हराना है वैक्सीन जरूर लगाना है। विकास उपाध्याय द्वारा लगातार वैक्सीन लगाने, लोगों को जागरूक करने मुहिम चला रहे हैं। उसी कड़ी में स्वामी आत्मानंद वार्ड में भी चलाया गया जन जागरण अभियान। घोर नक्सल क्षेत्र नेरली व बारसूर के ग्रामीणों की समस्या सुनने उनके बीच पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा। ग्रामीणों की समस्या सुन शीघ्र निराकरण का दिलाया भरोसा, गड़बड़ी करने वाले पंचायत सचिवों पर होगी कठोर कार्रवाई, इसका भी दिया आश्वासन। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने 4 दिव्यांग हितग्राहियों को प्रदान किया 2.5 लाख रुपए का चेक। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत हितग्राहियों को मिला लाभ। विधायक व मंत्री अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र के दल्ली राजरा पहुंचकर कांग्रेस नेता या उनके परिवारजन, समाजसेवी या नगर के प्रतिष्ठित नागरिक जिनकी पिछले दिनों मृत्यु हुई थी, उन सभी के घर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। बिजली विभाग डोंडी के अधिकारी व कर्मचारियों की छबील धूमिल करने वालों पर सांसद प्रतिनिधि विक्रम दुर्वे व तौसीन खान ने अपने टीम के साथ SDM से मुलाकात कर ज्ञापन 100 कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा 2 व 3 जून को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम किए गए और शहीद दिवस मनाया गया। दल्ली राजरा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष बाबी छतवाल ने वार्ड क्रमांक 24 में अवैध शराब बिक्री बंद कराने नगर पुलिस अधीक्षक दल्ली राजरा से मांग किया व ज्ञापन सौंपा है। जनमुक्ति मोर्चा ने मनाया शहीद दिवस। 1977 के गोलीकांड में शहीद 11 मजदूरों को श्रद्धांजलि शहीद स्मारक पहुँच कर दिया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी व वार्डवासी मौजूद थे, सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। संजीव सिंह को दल्ली राजरा भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व मुझे दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष दायित्व दिया है, जिसके लिए मैं सभी जिला पदाधिकारी और शहर मंडल का धन्यवाद देना चाहता हूं। किरण सिन्हा को बालोद जिला भाजपा महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं सोनू ठगेल बने भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री। बालोद जिला पुलिस विभाग के 27 कोरोना योद्धाओं का सम्मान पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया गया। कोरोना के कारण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश दल्ली राजरा व आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें SJ न्यूज़।